अस्सलामुअलैकुम मेरे प्यारे प्यारे बहन भाइयों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती जी आप सब भी ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे, जहाँ रहे खुश रहे, हंसते मुस्कुराते रहे बिल्कुल फूलों की तरह। अल्लाह ताला जी सब बहन भाइयों को सेहत वाली जिंदगी अता फरमाए, बीमारों को शफा अता फरमाए और बे औलादों को जिंदगी वाली औलाद अता फरमाए। आमीन जी आमीन सुमामी या रब्बुल आलमीन। और जी सब बहन भाइयों से एक ही छोटी सी रिक्वेस्ट करूंगी, सब अशफाक व्लॉग चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब लाजमी क्या करें, ये आपकी तरफ से प्यार होता है, मोहब्बत होती है और प्यारे प्यारे हाथों से सब्सक्राइब भी कर लिया करें और वीडियो को पूरा वॉच किया करें। ठीक हो गया जी, शाम का व्लॉग हो चुका है जी स्टार्ट। मैं क्या करने लगी हूँ, मैंने बनाने लगी हूँ खाना शाम का। आज हम खाने में क्या बना रहे हैं वो आपके साथ शेयर करती हूँ। और ये देखे जी, ये मैं दाल का तड़का तैयार कर रही थी, मैं आपको दिखाती हूँ। और ये मैंने दाल तैयार कर ली है, दाल बना रही हूँ बच्चों के लिए, बहुत ही मजे की यमी यमी दाल। शाम के खाने में दाल बन रही है और दुआ मोमना बहुत खुश होके खाती हैं दाल, दाल चावल हो जाए दाल हो जाए, बहुत शौक से खाती हैं। तो बच्चों बच्चे गए हुए हैं अरबी पढ़ने के लिए, उनके आने से पहले पहले मैं खाना रेडी कर लेती हूँ। खाना रेडी करते हैं और फिर आपके साथ शेयर करते हैं। कबूतर, वाह परिंदे देखे शाम के टाइम कितने खूबसूरत लगते हैं ये परिंदे। और इधर जी हमारा खाना बन रहा है, दाल को चेक करते हैं कहाँ तक पहुंची हमारी दाल। देखिए जी अभी दाल बन रही है, ये मैं थोड़ा सा और गाढ़ा करूंगी इसे, इसके बाद तड़का लगाऊंगी और रोटी बना के रखूंगी ताकि बच्चों को जब दिल चाहे बच्चे खा सकें। मैं तड़का तैयार कर रही हूँ इधर, सफेद जीरे का, सफेद जीरे का मैं तड़का लगा रही हूँ इधर। ये देखे दाल मेरी रेडी हो चुकी है, मैं तड़का डालती हूँ। बिस्मिल्लाह, मजे की दाल। दाल मेरी तैयार हो गई, अब मैं रोटी बनाने लगी हूँ। और ये मैं धोने लगी हूँ, मैं जितनी बार रोटी बनानी होती है मैं उतनी बार चकला बेलना ये धोना होता है मैंने, क्योंकि सौ गंदी चीजें फिरती तो मैं ऐसे नहीं बनाती रोटी। एक हाथ में मेरा मोबाइल है और एक हाथ से मैं ये धो रही हूँ। मुझे नहीं पसंद ऐसे उठा के इस पर रोटी बना लो, ठीक है। रात को दिन में छिपकलियाँ वगैरह सब कुछ हर चीज़ फिरती है, तो इसे दो मिनट के लिए मैं इधर
खड़ा करूंगी ताकि ये सूख जाए। बर्तनों में रख दिया मैंने इसे। निकालते हैं जी आटा। आटा मैंने गूंद के रखा हुआ था। आटा मैंने गूंद के रखा हुआ था, फिर रोटी बना लेते हैं। अभी तक जगह बनाती हूँ सारी चीजें रखने की। खाना मैंने बना लिया है और ये देखे जी ममना अभी तक लेटी। ममना उठ गया, बैठो बेटा, खाना नहीं खाना, पराठा बनाया मैंने आपके लिए। देख इसे शाम का भी पराठा चाहिए ममना को। ये देखे जी मैंने पराठा बनाया इसके लिए और दुआ जी के लिए। शाम का भी इन्हें पराठा चाहिए, सुबह पराठा चाहिए। ममना उठो बेटा, उठ जाना मेरे बेटा, नहीं प्यारा सा। टीवी का वॉल्यूम देखिए कितना ज्यादा खोल के लेटती है ये। ये टुकड़े पड़े मैं छापड़ में डाल के रखती हूँ, वरना ये खराब हो जाएंगे ऐसे। छापड़ को इधर लटका देते हैं। इसे भी उठाते हैं, इसे भी इसकी जगह पर रखते हैं। इसमें रख देती हूँ क्योंकि गुम नहीं होंगे। ये मैं इसके ऊपर रख देती हूँ। चले हो गया। और ये देखिए जी लाइट ने आज बहुत ज्यादा तंग किया हुआ है, कभी लाइट तेज हो रही है कभी कम हो रही है, ऐसे ही है रात से। लाइट ने बहुत जलील किया हुआ है, इसे अच्छे से बंद ही कर दूं, फायदा कोई नहीं। और ये देखिए जी मोमना अपने पापा के साथ लेटी हुई है बाहर। और ये देखे बाहर लेटी हुए हैं। ममना उठो, धूप होगी, उठो यहाँ से। रात को बच्चे सही से सो नहीं सके क्योंकि लाइट ने इतना ज्यादा तंग किया हुआ था, और दुआ अभी तक लेटी हुई है। मच्छरों की वजह से बच्चे सोए नहीं रात को। ये देखिए जी यार दुआ सफाई कर रही है। हाँ जी, क्योंकि कभी अगर मेरी तबीयत खराब हो जाती है, बुखार वगैरह हो जाता है, तो मैं परेशान हो जाती हूँ भी क्या करूँ मैं क्या ना करूँ, तो इसलिए मैं साथ साथ दुआ जी को घर के काम भी सिखा रही हूँ। लाइट गई हुई है इस वजह से अंधेरा हो रहा है। यहाँ से भी लेकर शुक्र है जी लाइट भी आ चुकी है। अब देखे बच्चों को ना बेटियों को तो खास तौर पर घर के काम भी सिखाने चाहिए, पढ़ाई के साथ साथ ये भी बहुत जरूरी है। और दुआ माशाल्लाह से जब भी काम करती है बहुत सफाई से करती है, साफ सुथरा काम करती है। ले आओ इधर,
और ये देखिए जी मोमना पानी भर भर के ला रही है। ये बड़ी अप्पी का जी हेल्प कर रही है, बड़ी अप्पी की। और ये वाइपर लगाएगी, देखिए जी वाइपर पकड़ के खड़ी है, ये वाइपर वाली है ऐसे ही है। ये जी ममना भी साथ में काम करवा रही है, ममना डस्टिंग कर रही है क्योंकि आज इन्हें छुट्टी थी ना इसलिए। मजे की है नहीं? हाँ जी हम सब खाना खा रहे हैं जी। हमने बनाया चिकन और दाल चिकन बनाई है, दाल चिकन का सालन बनाया है। बच्चे खाना खा रहे हैं दोपहर का क्योंकि आज इतवार का दिन है और बच्चों को छुट्टी है स्कूल से भी एकेडमी से भी। अरबी से भी छुट्टी है दुआ जी, आवाज तो निकालो, आवाज दुआ जी की आवाज बिल्कुल ही कम होती गई है, खाना खा रही है ना इस वजह से। तो जिस बहन भाई ने जी खाना खाना है वो दाल चिकन के साथ खाना खा सकते हैं हमारे साथ। शुक्र है जी अल्हम्दुलिल्लाह, सब बहन भाइयों की दुआओं से अल्हम्दुलिल्लाह जी अल्हम्दुलिल्लाह शफा की जॉब लग गई है। शुक्र है जी क्योंकि इस बात की मुझे बहुत ज़्यादा टेंशन थी कि शफा की जॉब नहीं लग रही। एक होटल को ज्वाइन किया उन्होंने, एक होटल में उनकी जॉब लगी है। शुक्र है जी अल्हम्दुलिल्लाह कहीं तो उनकी जॉब लगी, बड़ी परेशानी सी बनी हुई थी मुझे। मैं अपने बहन भाइयों से हर बात शेयर करती हूँ, दुख सुख अपने हर बात शेयर करती हूँ अपने बहन भाइयों के साथ क्योंकि आप लोग मेरी फैमिली का हिस्सा हैं। आप लोग मुझे इतना सपोर्ट कर रहे हैं, मेरा भी फर्ज बनता है आपके साथ हर बात शेयर करना। मेरी वीडियो को देखते हैं, लाइक शेयर करते हैं, प्लीज ऐसे ही अपना प्यार बनाए रखें हमारे साथ। वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करते रहें ताकि मेरे बच्चों का कोई मुस्तकबिल बन सके। बहुत शुक्रिया जी आप सबका। और जिस बहन भाई ने जी खाना खाना है वो हमारे साथ आकर खाना खा सकते हैं। दुआ के लिए बनाया था जी पराठा ममना के लिए क्योंकि ममना सादी रोटी नहीं खाती, सुबह हो दोपहर हो या शाम हो ये सादी रोटी नहीं खाती, ये पराठा ही खाती है। दुआ फिर भी खा लेती है, सादी रोटी ममना नहीं खाती, ऐसी बात है। हाँ जी ऐसी बात है। ये टीवी लगाया हुआ था बच्चों ने, फिल्म देख रही थी। टाइम हो चुका है जी 12:30 का टाइम हो चुका है क्योंकि नाश्ता हल्का फुल्का सा किया था बच्चों ने, तो इस वजह से मैंने रोटी जल्दी बना ली कि बच्चा खाना खा ले।